गाजियाबाद में 5 तारीख को पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हम इस समय उसी ग्राउंड में मौजूद हैं जिस ग्राउंड में योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। शाम का वक्त होगा और ये कवि नगर रामलीला मैदान होगा। और यहाँ पर जिस तरीके से सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर DCP सिटी हैं जो कि सुरक्षा को लेकर यहाँ पर सभी के साथ मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो BJP पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो भी यहाँ पर हैं। यहाँ पर एक एक पहलू पर इस समय जांच की जा रही है। पहले महानगर जो अध्यक्ष है गाजियाबाद के, उनसे हम बात कर लेते हैं। संजीव शर्मा, संजीव जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यहाँ पर प्रोग्राम है, क्या प्रोग्राम है? 5 तारीख को जनसभा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे गाजियाबाद की मेयर और सभी चेयरमैन और सभी पार्षदों के लिए एक जनसभा करने के लिए यहाँ पर गाजियाबाद में पधार रहे हैं। तो कवि नगर रामलीला मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ पर इनकी तैयारियों के लिए, टेंट के लिए और इन सब चीज़ों के लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं। गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं, और क्या सभी जो नगर निकाय हैं वहाँ यहाँ सभी लोग होंगे? और कितनी संख्या में यहाँ पर, अगर लोगों की बात करें, भीड़ की बात करें, तो कितनी संख्या में यहाँ पर पहुँचे? देखिए, मुख्यमंत्री जी की बहुत लोकप्रियता है तो ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है कितने हैं, लेकिन अपार भीड़ यहाँ पर होगी। मेयर, 4 हमारे नगरपालिका के चेयरमैन और 4 नगर पंचायत के जो उम्मीदवार हैं, इस प्रकार से 9 जो निकाय हैं वो 9 के 9 प्रत्याशी और 9 के 9 प्रत्याशियों के समर्थक यहां पर होंगे। टाइमिंग क्या होगा, समय क्या होगा उस वक्त? उस दिन उनकी कई सभाएं हैं, मेरठ में भी है, हापुड़ में भी है, बुलंदशहर है, उसके बाद यहां गाजियाबाद में है, तो शाम को 4-5 तो बजी जाएंगे। वहीं अगर सिक्योरिटी की बात की जाए तो DCP सिटी है हमारे साथ निपुण अग्रवाल, इनसे बात करते हैं। DCP साहब, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम है यहाँ पर और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आप यहाँ पर इस समय हर पहलू पर जांच कर रहे हैं, तो किस तरीके से मुख्यमंत्री का यहाँ पर प्रोग्राम रहेगा और कितनी, अगर बात करें पुलिस की, तो यहाँ पर कितनी फोर्सेज यहाँ पर रहने वाली है? देखिए, भीड़ बहुत आएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम 5 तारीख को संभावित है अभी, तो हम लोगों ने पूरा यहाँ पर जो भी रामलीला मैदान है, सीनियर ऑफिसर्स ने आके इसको विजिट कर लिया है। हम लोग का फोकस एक्सेस कंट्रोल पे रहेगा कि हम किस तरह क्राउड को रेगुलेट करें। डेडिकेटेड पार्किंग के लिए जगह भी हम लोगों ने चिन्हित कर लिए, रूफटॉप ड्यूटीज़ भी देख ली, और CM फ्लीट का जो रूट है उसको भी कई बार देख लिया गया। हम लोग का एक ASL चेक होता है, AS चेक होता है, तो उसके भी हम जितने भी मापदंड उसको पूरा कर रहे हैं, और लगभग 1,500 से ज़्यादा पुलिसकर्मी का इसमें अभी डिप्लॉयमेंट का हम लोगों ने प्लान कर रखा है। बिल्कुल 1,500 से भी ज़्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर तैनात रहेंगे। अगर हम इस रामलीला ग्राउंड की बात करें तो यहाँ पर जो, अगर कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है और काफ़ी बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुनने। गाजियाबाद की बात करें तो गाजियाबाद में 1 नगर निगम, 4 नगर पंचायत और 4 नगर पालिका हैं। सभी के जितने भी BJP के जो प्रत्याशी हैं, चाहे वो सभासद के हों, चाहे वो पार्षद प्रत्याशी हों, चाहे वो नगर निगम की जो मेयर प्रत्याशी हैं सुनीता दयाल, वो भी यहाँ रहेंगी, और 4 नगर पालिका के जो अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी हैं वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो काफ़ी बड़ी एक जनसभा होने जा रही है गाजियाबाद के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। अगर बात की जाए गाजियाबाद की, तो गाजियाबाद नगर निगम पर हमेशा, शुरू से जब से नगर निगम का गठन हुआ है तब से यहाँ पर BJP का कब्जा रहा, तो इस बार भी अपने किले को बचाने के लिए एक बार फिर जो योगी आदित्यनाथ है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और लोगों से अपील करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जिताकर उनके जो प्रत्याशी हैं उनको सदन में भेजिए, उनको शहर की सरकार में भेजिए और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। गाजियाबाद से कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।